अवनीश और यू आर वाचिंग आवर इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल अवनीश। गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक फ्रेश एपिसोड, दैट्स कॉल्ड टेक एपिसोड नंबर 13। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग एपिसोड। गाइस फेसबुक मैसेंजर में बहुत जल्दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सकती है, ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विस है वो भी आपको मिल सकता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप अपने सभी बैंक के जो डिटेल्स हैं वो सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मैसेंजर एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से। कुछ कुछ जगहों में फेसबुक मैसेंजर में पेमेंट सर्विस स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखना यह है इंडिया में ये सर्विस कब आता है, इंडिया में ये लॉन्च कब होता है, क्या ये सिक्योर है और क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है यूजर्स के लिए। तो आपको ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला आर्टिकल क्या है, 15 बार अगर आपके हाथ से आपके फोन गिर जाए तब भी फोन का जो कांच है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जी हाँ गाइस, टोटली सेंसिटिविटी एंटी स्क्रैच और ये जबरदस्त और ज्यादा दिन तक चलने वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है। कॉर्निंग ग्लास मेकिंग कंपनी के साथ ओप्पो ने मिला लिया है अपना हाथ। तो ओप्पो ने ये बता दिया है कि अगले स्मार्टफोन जो ओप्पो लॉन्च करने वाला है उसमें जरूर गोरिल्ला ग्लास 6 मौजूद रहेगा। पर मुझे लगता है कि आपको थोड़े महंगे स्मार्टफोन में ही मिलेगा, जैसे कि ओप्पो F9, ओप्पो F9 Pro हो गया, ओप्पो R17 हो गया, ये सभी फोन में आपको मिल सकता है। पर ये धीरे धीरे सभी फोन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट निकल के आता है, लॉन्च होने से पहले ही ओप्पो F9 के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हो गया है लीक। जी हाँ गाइस, ये लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त को और इसमें दो खास फीचर्स हैं, एक है नॉच डिस्प्ले और दूसरा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6। जी हाँ गाइस, इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 मौजूद रहेगा। गाइस यहाँ पे जो लीक स्पेसिफिकेशंस हैं वो है 6.3 इंच फुल HD डिस्प्ले, हेलियो P60 प्रोसेसर, बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3500 mAh और अगर मैं बात करूँ रैम की तो यहाँ पे आपको 4GB रैम मिल जाएगा, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, रियर में कैमरा मिल जाएगा 16MP प्लस 2MP और फ्रंट में आपको ह्यूज कैमरा मिल जाएगा 25MP। गाइस यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है, एयरटेल की इस पैक में आपको 20GB एक्स्ट्रा डाटा फ्री मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये एक्स्ट्रा डाटा आपको ईयरली बेसिस पे मिल जाएगा अगर आप 399 रुपए रिचार्ज करते हैं तो, और इस प्लान में आपको डेटा सॉल्वर भी मिल जाएगा जिसका मतलब है आप 500GB तक स्टोर करके रख सकते हो डेटा को। पर याद रहे पहले डेली डेटा को खत्म करना है, उसके बाद ही इस एक्स्ट्रा फ्री डेटा को इस्तेमाल करना है। गाइस यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है, Xiaomi का हाई एंड फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन Xiaomi Poco फोन जल्दी लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने से पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हो चुके हैं लीक। एक मिनट, फोन का नाम मैंने क्या बताया, पोको फोन। भाई कुछ इस तरह से नाम रखा गया है, पता नहीं Xiaomi कंपनी के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, इस फनी नाम को रख दिया गया है। खैर छोड़िए, इस नाम से अगर हमें पुकारना है तो गैस जो आपने सुना Xiaomi Poco फोन जिसका नाम है वो लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में, पर उसको लॉन्च होने से पहले ही उसका जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हो चुके हैं लीक। और जहां तक मुझे ये पता चला है कि ये स्मार्टफोन OnePlus 6 को भी बीट करने वाला है। जी हां गाइस, अब देखना ये है कि किस तरीके से कौन से खास फीचर्स को डायरेक्ट टक्कर मारने वाला है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊं ताकि आपको और भी डिटेल्स में पता चले। अगर मैं इस एपिसोड में ही बताना लग गया तो ये एपिसोड रहेगा ही नहीं, क्योंकि एपिसोड जो होता है बहुत जल्दी होता है। तो इसको लेकर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊं, और इसी के साथ आप रहिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी को टंग करके प्रेस कर दीजिएगा सभी नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपके फोन में पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट निकल के आता है, इस स्वतंत्र दिवस में वीवो की तरफ से एक स्पेशल न्यूज है, वीवो की तरफ से एक स्पेशल खबर है। वीवो अपने कुछ स्मार्टफोन के ऊपर बढ़िया सेलिंग ऑफर रख रहा है और ये ऑफर चल रहा है shop.vivo.com/in/। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्प्ले में भी देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पे जाके सभी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वीवो अपने जो वीवो Y71 स्मार्टफोन है जो वेरिएंट है 3GB 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसमें 1000 रुपए की कटौती की है। जी हाँ गाइस, अब इसका प्राइस जो हो गया है वो है 11,990 रुपए। और यही नहीं, अगर आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ गाइस, और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर EMI का सुविधा, और इसके साथ साथ एक खास ऑफर है 4,050 रुपए का एक जियो का खास फायदा आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप इस लिंक से इस वेबसाइट में खरीद सकते हैं इस सेल ऑफर में कोई भी स्मार्टफोन को। क्या पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही उस वीडियो को मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सभी डिटेल्स सभी जो फोन्स हैं
क्या क्या चल रहा है सभी के बारे में पता चल सके। तो हमेशा के लिए वही बात कहूंगा, अगर अपडेट रहना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टंग करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने एक बात बताना था, एंड्रॉइड पाई जो है वो आज ही लॉन्च हुआ है, जो गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है एंड्रॉइड की अपडेट को लेकर, एंड्रॉइड पाई आ रहा है, ठीक है। तो वो अपडेट गूगल के जो फोन है उसमें तो मिलना शुरू हो जाएगा सोमवार से। पर अगर आप भी लेना चाहते हैं इसे, तो क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या फायदा है इसको लेकर, क्या आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट सपोर्ट करेगा या नहीं, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आज की एपिसोड में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको एक अलग वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए और हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइस फिलहाल वीडियो में आज बस इतना ही, मैं मिलता हूं एक अलग वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।